Press the bell icon of the Epaathshaala channel and never miss another update. So guys, now we are back with this video और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे Epaathshaala के चैनल में. और जैसे कि आप सभी को पता है कि हम क्लास 11th की जो आपकी वीडियो है अकॉर्डिंग टू न्यू सीरीज वो बना रहे हैं. और हमने आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है. चैप्टर का नाम है इक्वालिटी, दैट मीन्स समानता. ये वीडियो का पहला पार्ट है दोस्तों. और इससे पहले आपने ये नोटिस करा होगा कि हमने जो अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस है वो दो पार्ट अपलोड करे हुए हैं चैप्टर के. ये तीसरा चैप्टर है इक्वालिटी, और अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस सीबीएसई बोर्ड ने इस चैप्टर को रखा हुआ है. क्लास 11th की पॉलिटिकल के जो बच्चे हैं उन सभी बच्चों को ये वीडियो जो है पूरी देखनी चाहिए. ये वीडियो का पहला पार्ट है और इसमें हम इंट्रोडक्शन के साथ कुछ चीज़ें कवर करेंगे. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले आप टॉपिक देखेंगे पूरी बुक के अंदर है क्या. पहला टॉपिक हमारा यही रहेगा कि भाई बेसिकली व्हाट इज़ इक्वालिटी, है ना, एंड व्हाई शुड बी कंसिडर्ड अबाउट दिस मोरल एंड पॉलिटिकल आइडियल. दैट मीन्स हम इसे एक नैतिक और राजनीतिक आदर्श के रूप में इसके बारे में हम क्यों चिंतित होते हैं कि इक्वालिटी समाज में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये पूरे चैप्टर के अंदर है. दूसरा, क्या समानता की खोज में हर हाल में किसी व्यक्ति के साथ एक जैसा व्यवहार किया जा सकता है या किया जाना शामिल है. कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे समाज में समानता अगर हमारे पास है तो क्या हर व्यक्ति एक साथ एवरीवन मतलब सेम वे में सेम कंडीशन में एक साथ क्या सभी को ट्रीट किया जा सकता है, तो ये हम जानेंगे. साथ में हम ये भी जानेंगे कि हाउ मैनी परस्यूड इक्वालिटी एंड द मिनिमाइज इन इक्वालिटी इन द डिफरेंट स्फीयर ऑफ द लाइफ. कहने का मतलब ये है कि किस तरीके से हमारे जीवन में एक अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग डिफरेंट फेज में समानता और असमानता किस तरीके से हमें देखने को मिलती है. और लास्ट हमारा टॉपिक जो रहेगा वो हमें जानना होगा कि देखो इक्वालिटी एक फंडामेंटल राइट्स भी है, तो इसीलिए हमें जानना होगा कि उसके राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक यानी कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल जो इफ़ेक्ट हो रहे हैं वो भी हम जानेंगे. तो दोस्तों, अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड नोट्स चाहिए तो वो आपको हमारी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है. अगर आपको सैम्पल पेपर चाहिए, अगर आपको गाइड चाहिए, तो आप उसे परचेज कर सकते हैं और उसका लिंक भी हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो के काफ़ी पार्ट आएंगे. और दोस्तों, हम ये पूरा का पूरा जो टॉपिक इसमें कंटेंट किया हुआ है वो सारा का सारा हम लोग पढ़ेंगे. ओके, तो ये है वीडियो की शुरुआत. आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं. सो बेसिकली, क्योंकि चैप्टर का नाम इक्वालिटी है इसलिए हमें पहले इक्वालिटी के बारे में समझना होगा. इक्वालिटी एक तरीके की ऐसी टर्म है, दैट मीन जैसे आप समानता हिंदी में बोलते हैं दोस्तों, ये जो शब्द है दोस्तों ये स्पेशली बताने की ये कोशिश करता है कि सारे ह्यूमन बीइंग जो है उनको इक्वालिटी मिलनी चाहिए. रिगार्डिंग कलर है, जेंडर है, रेस है, लैंग्वेज है, नेशनैलिटी है, इन सभी के हिसाब से सभी को इक्वालिटी मिलनी चाहिए. और हमारा पहली जो प्रेफरेंस होती है वो होता है इन सभी चीज़ों को ख़त्म करना, इन सभी चीज़ों को अबॉलिश करना. यानी कि मान लेते हैं एक छोटा सा व्यक्ति है, मान लेते हैं विनोद है ये. ओके, विनोद है ये. अब विनोद के साथ हम किसी भी प्रकार का हम इनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, जैसे कि उसके कलर के लिए, उसके कलर के बिहाव पे, उसके लैंग्वेज के बिहाव पे, उसकी राष्ट्रीयता के बिहाव पे, वो अमीर है, गरीब है, गोरा है, काला है, पतला है, मोटा, तो इस बिहाव पे हम कभी भी उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे. और मेन इक्वालिटी में यही दिखाने की कोशिश करी जा रही है. अगर आप बीए प्रोग्राम में जब जाएंगे या बीए ऑनर्स में जाएंगे दोस्तों, और अगर आप पॉलिटिकल लेते हैं तो इक्वालिटी के बहुत बड़े हिस्सों पे आपको पढ़ना होगा. लेकिन बेसिक निचोड़ जो हमें समझना है वो हमें यही समझना है कि इक्वालिटी का मतलब यही होता है कि हम किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना करें. किस पे? उसके रंग पे, उसकी जेंडर पे, उसकी नस्ल पे, उसके भाषा पे, उसकी राष्ट्रीयता पे, हमें सबको इक्वल रखना होगा. दिस इज़ कॉल्ड द इक्वालिटी. और हमें पहला हमें यही है कि हमें इसे ख़त्म करना है इन सभी चीज़ों से. तो ये चीज़ तो हो रही थी हमारे भारत के अंदर, आपको पता है 1947 से पहले भी कहीं ना कहीं गोरे काले जो थे उसमें भेदभाव होता था. यही चीज़ सेम टू सेम साउथ अफ्रीका के अंदर भी हमने देखने को मिला था
किस तरीके से उनके साथ ये चीज़ें होती थी, अनटचेबिलिटी थी, बहुत कुछ जो हमने अपने संविधान को बनाने के बाद इन सभी चीज़ों को ख़त्म करने की शुरुआत करी थी। अच्छा, अब यहाँ पे इक्वालिटी में हमारा एक फंडामेंटल राइट्स है, और उसमें राइट्स है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, दैट मींस अवसर की समानता। बच्चों, अगर आपको पता है कि ये कौन सा आर्टिकल है तो कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू इक्वालिटी हमारे पास एक राइट टू अपॉर्चुनिटी होता है, दैट मींस हमें अवसर की समानता होती है। अवसर की समानता का मतलब यही हो गया कि ये एक ऐसा अधिकार है जिसमें सभी व्यक्ति को समान अवसर मिलने ज़रूरी है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसमें स्पेशल एक आर्टिकल दिया हुआ है, अगर आपको पता है तो कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ओके, आपको बहुत कुछ नई अपडेट्स जानने को मिलेगी। अच्छा, अब इक्वालिटी मैं बोलूँ अगर अपॉर्चुनिटी के बिहाफ पे, तो दोस्तों इसका अर्थ यही होता है कि हर व्यक्ति के पास अपने कौशल और अपनी प्रतिभा, यानी कि अपने स्किल और अपने टैलेंट को विकसित करने के लिए, अपने लक्ष्य की महत्वाकांक्षा को प्राप्त करने के लिए समान अवसर का अधिकार होना ज़रूरी है। अगर कोई भी व्यक्ति है, सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे राजपाल यादव है, और मैंने एक एग्जांपल दे रखा है कि राजपाल यादव का, कि यहाँ पे राजपाल यादव अपने स्किल और अपने टैलेंट के हिसाब से अपना खुद का एक डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो इनको अवसर की समानता मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे अगर आप भी क्या कहते हैं, मान लीजिए कि आपने 12th पास आउट करी, और 12th पास आउट करने के बाद आपने 8 से पास आउट करी, और उसके बाद आप किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होना चाहते हैं, मान लीजिए कि आप एसएससी के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होना चाहते हैं, तो उस टाइम पे आपको अपने टैलेंट और अपने स्किल के हिसाब से अपने गोल और अपने एम्बिशंस को पूरा करने के लिए अवसर की समानता का मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको इस टाइम पे इक्वालिटी नहीं दी जाएगी अवसर की समानता के अंदर, तो कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता है। तो इसी हिसाब से इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, और मेरे हिसाब से हर व्यक्ति को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सभी के साथ ऐसा ही होता है। अब यहाँ पे एब्सोल्यूट इक्वालिटी क्या कभी हमारे समाज में किसी को मिल पाएगी? तो सही मायने में दोस्तों ये कॉन्सेप्ट मैं बोल सकता हूँ इम्पॉसिबल है। हमारे समाज में शुरुआती समय से हमने सभी को बोला है कि सभी लोग इक्वल हैं, लेकिन एब्सोल्यूट इक्वालिटी का मिलना असंभव है। धरती के ऊपर जिस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि भगवान आके उतर जाएंगे और सभी की सारी इच्छाओं को पूरा कर देंगे, तो वो इम्पॉसिबल है ना। सभी की सारी इच्छाओं को अगर पूरा कर देंगे तो संसार नहीं चल सकता। इसीलिए समाज में इक्वालिटी तो एस्टैब्लिशमेंट है, लेकिन सभी को इक्वल ट्रीटमेंट मिल जाए अनइक्वल सिचुएशन के अंदर, तो दोस्तों ये इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल कॉन्सेप्ट ये इसीलिए है क्योंकि आप सभी को पता है कि सारे इंसान फिजिकली और मेंटली अनइक्वल है। मान लेते हैं कि अगर आप 11th क्लास के अंदर स्टूडेंट हैं, आपने नोटिस करा होगा कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो वीडियो को देख के बहुत आसानी से एक बारी में समझ जाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको 2 बारी लगती है, किसी को 3 बारी लगती है समझने के लिए, और कोई ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिन्हें समझ में ही नहीं आता है। तो क्यों? क्योंकि हम लोग फिजिकली और मेंटली एक दूसरे से बिल्कुल अलग है ना। तो इसी वजह से किसी को एब्सोल्यूट इक्वालिटी नहीं मिल सकती समाज के अंदर, क्योंकि मानसिक और शारीरिक रूप से तो बिल्कुल अलग ही है ना। और इवन हर किसी व्यक्ति का अपना खुद का एटीट्यूड है, बिहेवियर है, कैपेसिटी है ना, डिफरेंट वे में वो एक दूसरे से अलग हैं। और इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर हम बोले कि समाज में सभी को एब्सोल्यूट इक्वालिटी मिलनी चाहिए, तो वो इम्पॉसिबल है। क्या आप इस बात से एग्री है? अगर आप इस बात से एग्री हैं तो यस, आई एम एग्री विद दिस कि एब्सोल्यूट इक्वालिटी समाज में मिलनी असंभव है। अगर आपको लगता है कि एब्सोल्यूट इक्वालिटी समाज में गवर्नमेंट को हर किसी व्यक्ति को देनी चाहिए, तो आप अपनी राय दे सकते हैं, आप अपना व्यू दे सकते हैं कि भाई समाज में इस तरीके से एब्सोल्यूट इक्वालिटी को घोषित किया जा सकता है। लेकिन आपको बहुत कुछ समझना पड़ेगा, यही चीज़ कॉलेज के अंदर और डीपली आ जाती है, बट आप क्योंकि अभी 11th क्लास में हैं, तो इसलिए बस आपको मोटी मोटी कोटेशन समझाई हुई है कि समाज में एब्सोल्यूट इक्वालिटी नहीं मिलती है। उसका रीज़न बताया हुआ आपकी बुक के अंदर। पहला रीज़न बताया हुआ है कि नेचुरली इनइक्वालिटी है, दैट मीन्स प्राकृतिक असमानताएं हमें देखने को मिलती है। जैसे कि पीपल जो है वो भाई अपने आप देख सकते हो, उनकी डिफरेंट कैपेसिटीज़ और टैलेंट्स होते हैं, है ना। कोई बहुत ही अच्छा काम करता है, कोई उसके लेवल का काम नहीं कर पाता,
कोई बहुत ही ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड होता है, किसी को कुछ पता ही नहीं होता है ना। इसी वजह से लोग विभिन्न क्षमताओं में पैदा होते हैं, अलग अलग कंडीशंस होती है, अलग अलग कंडीशंस होने की वजह से आप नोटिस कभी भी कर लीजिए, नेचुरली बेसिस पे अगर हम देखें तो हम मान लीजिए कि अगर आप किसी डॉक्टर के घर में पैदा हुए तो ये तो नेचुरल है कि आपकी थिंकिंग भी उसी हिसाब से ही होगी, आप डॉक्टर के हिसाब से ही सोचेंगे। और उसके साथ अगर आपके घर में अगर आप एडवोकेट हैं दोस्तों, तो आपके घर में भी फिर लॉ से रिलेटेड ही माहौल बना रहेगा, है ना। वो ऐसा इसीलिए ही होता है क्योंकि समाज ऐसे ही चल रहा है, हर व्यक्ति डिफरेंट सिचुएशन में अलग अलग तरीके से पैदा हो रहा है, तो इसीलिए वो अपनी कैपेसिटी और टैलेंट के हिसाब से अलग है। अब यहाँ पे आमतौर पर हम बोल सकते हैं कि भाई ये जो जनरली हम नेचुरल डिफरेंस है वो ख़त्म नहीं कर सकते, ये नेचर हमें बना के दे रहा है, हम उसका कुछ नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे प्राकृतिक रूप से लोग असमान हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्राकृतिक रूप से जो लोग असमान हैं वहाँ पे टेक्नोलॉजी ने कहीं ना कहीं उन्हें समाज में, मैं बोल सकता हूँ, एक अच्छा तरीके से जीने का मौका दिया हुआ है। तो भाई अगर हम टेक्नोलॉजी देख ले और साइंस देख ले, उसकी वजह से हम लोगों ने डिफरेंटली फिजिकल चैलेंज जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं समाज में उभरने का मौका दिया है, ताकि वो भी एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह समान अपने आप को महसूस कर सके। ठीक है, तो आपने बेसिकली ये समझ लिया है, ये पूरी तरीके से बताने की कोशिश कर रहा है कि इनइक्वालिटी प्राकृतिक रूप से कैसे होती है, इसी वजह से इंसान जो है कभी भी एब्सोल्यूट इक्वालिटी का यूज़ नहीं कर पाएगा। दूसरा है जो सोशल इनइक्वालिटी है जो हमने समाज के अंदर बनाई है, वो इसी वजह से है कि हमने बहुत से ऐसे लोगों के साथ इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी करा है, क्योंकि हमने उनके साथ सोशली बेसिस पे, मैं बोल सकता हूँ, एक्सप्लोटेशन करा है। कुछ ही ग्रुप्स हैं, डोमिनेंट ग्रुप हैं, जो पूरी तरीके से क्या कहते हैं, समाज में शोषित वर्ग जो है उनको और ज़्यादा शोषित कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। जैसे कि आपने बी आर अम्बेडकर की कहानी सुनी होगी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के साथ भी समाज के अंदर ऐसा ही हुआ था, अगर आपको याद हो, है ना, तो उनके साथ भी कहीं ना कहीं ऐसी ही प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है ना, तो ये चीज़ है, तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि सामाजिक इनइक्वालिटी है समाज के अंदर, ओके। उसके साथ साथ आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं समाज में जो सोशल इनइक्वालिटी है उसमें लोगों के साथ अलग अलग तरीके से ट्रीट करा जाता है, जैसे वो अलग रंग के हैं, कलर के हैं, जेंडर के हैं, कास्ट के, अलग अलग काम करते हैं। तो उसका एक एग्जाम्पल मैं आपको छोटा सा ये दे दूँ, मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ा बिजनेस क्लास का व्यक्ति है ना, तो वो अपने आप को हमेशा सुपीरियर महसूस करेगा एज अ लेबर जो बंदा काम कर रहा होगा उसके कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पे लेबर का ऑक्यूपेशन बिल्कुल अलग हो गया है और आप देखेंगे यहाँ बिजनेस क्लास का ऑक्यूपेशन बिल्कुल अलग हो गया है। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि समाज में सोशल इनइक्वालिटी पैदा हो गई है। तो दोस्तों ये था, पूरी तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे वुमेन्स के साथ और काले लोगों के साथ आज भी हम समाज में सोशल इनइक्वालिटी बनाए हुए हैं, और हम कहीं ना कहीं लोगों को आज भी समान अधिकार देने से वंचित रहे हैं। जैसे शुरुआती समय में हमने थोड़ी बहुत चीज़ें एडिट कर दी हैं, जैसे कि पहले दास प्रथा हुआ करती थी, पर हमने संविधान में संशोधन करा और फिर दास प्रथा को हटाया, है ना, तो हमने थोड़ा बहुत कामयाबी ली है, लेकिन एब्सोल्यूट जो मैं कह सकता हूँ इक्वालिटी, वो तो मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो दोस्तों ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो हमने वीडियो के पहले पार्ट में आपको समझाया है इक्वालिटी से रिलेटेड। अगर आपने चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करिए और आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, बेल के आइकन को, क्योंकि बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कि सर नोटिफिकेशन नहीं आ रही है, तो बेल के आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी ज़रूर मिलेगी। वीडियो का पहला पार्ट कैसा लगा अपना रिस्पांस लाइक और डिसलाइक के थ्रू शो करिए, और साथ में जो मैंने आपसे कमेंट पूछा है, जो मैंने आपसे आंसर पूछे हैं, उनका कमेंट ज़रूर करिएगा। ये वीडियो का पहला पार्ट है, जल्दी है वीडियो के दूसरे पार्ट में भी हम जल्द ही मिलेंगे। दिस इज इट इन दिस वीडियो। तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब ही बढ़ेगा इंडिया। तो
तो वीडियो के लास्ट में, वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।